Good evening, students. This is the last part of application of electric field application of Gauss theorem part 2. ये last part है जिसमें हम लोग दो derivation करेंगे. पहला electric field due to uniformly charged infinite plane sheet और दूसरा हम लोग करेंगे electric field due to spherical cell. तो सबसे पहले हम लोग uniform charged infinite plane sheet को देखते हैं. ठीक है, पहले मतलब समझो. uniformly charged मतलब एक जैसा charge होगा, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा, और ये क्या है, प्लेन सीट है. ये 2D फिगर है ना, 2D रेक्टेंगल की तरह, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन सीट बोलते हैं. तो इसका हमको क्या निकालना है बच्चों, इसका हमको निकालना है आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले किसी भी चीज़ को हम लोग गॉसियन सरफेस के अंदर रखते हैं ना. तो मैंने बताया था कि स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर का गॉसियन सरफेस होता है सिलेंडर, और इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट का भी क्या होता है, एक सिलेंडर ही होता है गॉसियन सरफेस. तो इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा. ये रहा आपका एक सिलेंडर इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको गॉसियन सरफेस पे रख देंगे. अब बोलो सर ये तो पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है. देखो ये तो पूरी तरीके से नहीं ढकना, मान के चलना है कि इधर में ये पूरी तरीके से ढक लिया है, इधर भी, और इधर भी ये पूरी तरीके से ढक लिया है. ठीक है, मतलब पूरा चार्ज सीट को हमने क्या कर दिया है, पूरी तरीके से किससे ढक दिया, सिलेंडर से ढक दिया. ठीक है, अब ध्यान दो इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, तो देखो मान लो ये आपका सिलेंडर का सर्कल का ये आपको पॉइंट हो गया. तो हम लोग जानते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर से. तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया. अच्छा, इसी पॉइंट को मान लो हम पी पॉइंट मान रहे हैं, तो इस पी पॉइंट का सरफेस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, डीएस, वो भी इधर ही होगा, बिल्कुल इधर ही होगा. अच्छा, इस पॉइंट का भी सरफेस एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर ही होगा. मतलब दोनों के बीच में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, और यहाँ भी आपका थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा. लेकिन बच्चों ध्यान दो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, और सरफेस एरिया ऊपर के लिए सरफेस एरिया वेक्टर कौन सा हो जाएगा, तो सरफेस एरिया वेक्टर ध्यान दो किसके लिए, इसके लिए ले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और सरफेस एरिया वेक्टर भी इधर है. इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और सरफेस एरिया इधर है. अच्छा, ये जो बीच का कोई पॉइंट ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और सरफेस एरिया इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री आपका एंगल हो जाएगा, है ना. ठीक है, तो जब हम लोग लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही पहले मैं गिवन बता देता हूँ जो कि आपको लिखने में, फेयर करने में मदद करेगा. तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट. कंसीडर का मतलब मान लेते हैं, तो ध्यान से सुनिए, यही आपको कॉपी में लिखना है कि कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था, लैम्डा था, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है. वी विश टू कैलकुलेट, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी. हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. देखो ये चार्ज प्लेन सीट है, इस पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके कारण, इसके कारण. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वी विश टू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, जो कि कितने डिस्टेंस पर है बच्चों, ये जो इसका सरफेस, ये जो सेंटर है ना, उससे आपका आर डिस्टेंस पर है. कितना डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर. ठीक है, ओके. अब हमको क्या लिखना है, ध्यान से आपको समझने वाली बात ये है कि बाईसिमेट्री, बाईसिमेट्री का मतलब दिख पिक्चर के द्वारा, बाईसिमेट्री का मतलब होता है पिक्चर के द्वारा. पिक्चर के द्वारा हमको क्या दिख रहा, हमारे पास तीन रीजन बन रहे हैं. कौन कौन से रीजन बन रहे हैं, एक राइट वाला सर्कल, एक लेफ्ट वाला सर्कल, और एक टॉप वाला. ठीक है, मतलब ये बीच वाला जो कि 90 डिग्री होगा. तो मान लेते हैं कि इसके कारण जो फ्लक्स है वो कितना है, फाई वन है. इसके कारण जो फ्लक्स है वो कितना है, फाई टू है. और ये जो बीच 90 डिग्री है उसके कारण फ्लक्स कितना है, फाई थ्री है. ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से हम लोग फाई वन का वैल्यू निकालेंगे. तो बच्चों जो फाई वन का वैल्यू आएगा वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस फाई वन. तो फाई वन के जगह कॉस थीटा कितना, 0, तो ये हो जाएगा कॉस 0. तो यहाँ से आपका ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1.
तो फाई वन का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, ई एस आ गया, डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली अगर हमको फाई टू निकालना है तो फाई टू में क्या है, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस जीरो डिग्री, ये से आपका फिर से क्या बना देगा, ई एस बना देगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर टू। अब अगर हमको फाई थ्री निकालना है तो फाई थ्री कैसे निकलेगा, फाई थ्री निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, कितना बच्चों, थ्री सरफेस के लिए, सरफेस एरिया इधर है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो कॉस कितना लिख दोगे, 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थ्री। तो अगर हमको टोटल फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स, तो जो टोटल फ्लक्स होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, मतलब फाइ टी इज इक्वल टू फाइ वन प्लस फाइ टू प्लस फाइ थ्री। फाइ वन का वैल्यू कितना है, ई एस, फाइ टू का भी वैल्यू कितना है, ई एस, और फाइ थ्री का वैल्यू कितना है, जीरो, तो ये कितना हो गया बच्चों, टू ई एस हो गया क्या, टोटल फ्लक्स, है ना, इक्वेशन नंबर फोर। गॉस थ्योरम के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि टोटल फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू वन बाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, है ना, तो बस वही वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर ले आएंगे जो कि हमें प्रूव करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कौन सा थ्योरम, गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स कितना होता है बच्चों, वो होता है चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू पुट कर दो, टोटल फ्लक्स कितना आया, वो आया है तुम्हारा 2ES चार्ज, वहां पर चार्ज को हमने क्या लिखा था, लैम्डा इंटू एल लेंथ लिखा था, जहां पर लैम्डा क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी था, और एल क्या था बच्चों, एल उसका लेंथ था, ठीक है, तो यहां पर लैम्डा की जगह क्या हमको दिया हुआ, सिग्मा दिया हुआ, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं आपको एस सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना है, एस, एस एल अरोरा में ए सरफेस एरिया माना, तो ए भी सरफेस एरिया मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने एस सरफेस एरिया माना, तो क्या लिखेंगे, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू सरफेस एरिया एस बटा एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से होगा। अब ध्यान दो क्या कैंसिल हो रहा, तो आपका सरफेस एरिया कैंसिल आउट हो जा रहा, तो ई जो आ जाएगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगा सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट, ठीक है, तो यहाँ से आपको यही पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर डिस्टेंस पे डिपेंड किया नहीं किया, तो हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट आर डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आर का कोई भी चीज नहीं है, ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड वाला डेरिवेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड डेरिवेशन, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो टॉपिक दे दीजिए थर्ड डेरिवेशन का, जिसमें हमको किसके लिए करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged thin spherical cell, टॉपिक डाल दीजिए कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके लिए, थिन स्फेरिकल सेल के लिए हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल, शेल समझते हो ना, शेल का मतलब होता है छिलका, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक सेल एक बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल अगर हमें बनानी है तो हम क्या किए, पहले एक ये सर्कल बनाए और एक सर्कल बना दिए, अच्छे से बना देते हैं गोल टाइप, है ना, ये हमारा एक सर्कल हुआ, उसके बाद और एक सर्कल हुआ, ठीक है, और ये जो शेडेड पार्ट होता है यही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं ना, ये जो शेडेड पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेल, ये इसका सेंटर हो गया, मान लो सेंटर ओ जो है, ये छोटा वाला रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि जो जो बड़ा वाला है उसको हम लोग कैपिटल, तो छोटा वाला रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे और जो बड़ा वाला रेडियस है
उसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। तो सपोज दैट एक हमको ये पी पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमको एक क्यू पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा। अच्छा, और एक हमको बाहर वाले पॉइंट पे निकालना है जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। तो हमने बताया ये आपका इलेक्ट्रिक शेल हो गया, सॉरी स्फेरिकल सेल, जिसका छोटा वाला रेडियस कैपिटल आर है, बड़ा वाला रेडियस स्मॉल आर है। बड़ा रेडियस एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है। तो सबसे पहले इसको गॉसियन सरफेस में रखना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक सेल का गॉसियन सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल ही होता है। तो चलो इसका गॉसियन सरफेस स्फेयर बना देते डॉटेड स्ट्रक्चर से। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है, स्फेरिकल सेल के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, कंसीडर अ थिन स्फेरिकल सेल। मान लेते हैं कि एक थिन स्फेरिकल सेल है ऑफ चार्ज, जिसका चार्ज जो है वो क्यू होगा और रेडियस जो है वो कितना होगा आर, ठीक है। और जिसका चार्ज डेंसिटी कितना है, इसका भी चार्ज डेंसिटी हमको सिग्मा लिख देता हूँ मैं, ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो मैं रिपीट कर देता हूँ जो आपको लाइन लिखना है, पहला लाइन कि कंसीडर अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वी हैव टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। सेकेंड पॉइंट जो जाएगा वो आएगा, वी हैव टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस विच इज ऑल्सो स्फेरिकल, जो कि कैसा है आपका, स्फेरिकल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बाई सिमेट्री, मतलब पिक्चर से हमको क्या दिख रहा है, बाईसिमेट्री। हम सबसे पहले किस पॉइंट पे निकालेंगे, हम लोग पी पॉइंट पे पहले निकाल देंगे कि पी पॉइंट पे कितना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हम लोग किस पॉइंट पे निकालेंगे, दूसरा हम लोग निकालेंगे इस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट हम लोग निकाल देंगे किसके, इसके अंदर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो देखो तीन पॉइंट है, कौन कौन, मैं बता दे रहा हूँ। एक ये पॉइंट है बच्चों, एक ये पॉइंट है बच्चों, और एक इसके भी अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, मतलब ये जो तुमको सर्कल दिख रहा ना, छोटा वाला सर्कल, इस छोटा वाला सर्कल के अंदर का कोई भी पॉइंट ले लो, ये। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपको ये समझ जाना है कि चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों के बीच में जो बाउंड्री में है ना, उसी में चार्ज है, और चार्ज कहीं भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पॉइंट नंबर ए, व्हेन पॉइंट पी इज लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। अब ध्यान दो, टोटल चार्ज को हमको कितना मान के चलना, क्यू। अगर जो पॉइंट पी है वो अच्छे से मिल गया, when point P lies outside the spherical cell. अब ध्यान दो, अगर ये P point जो है इस cell के, ये जो cell सबसे बाहर वाला कवच दिख रहा है उसके अगर बाहर है, तब क्या हो जाएगा इसका, हमको सब कुछ निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल चार्ज कितना है बच्चों, टोटल चार्ज है Q, बहुत अच्छे, गॉसियन सरफेस के अंदर। अच्छा, रेडियस कितना दिख रहा है आपको, आर दिख रहा है। और अगर तुम इस छोटे वाले का एरिया निकालना चाहो तो वो क्या हो जाएगा, फोर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आपको फ्लक्स निकालना है थ्रू द गॉसियन सरफेस, तो लिखेंगे हम लोग फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। फ्लक्स के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, फाई ई लिख दे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड रखें, सरफेस एरिया को क्या लिख दे, 4πr² क्योंकि यहां पर r है। अच्छा, फ्लक्स के जगह हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, चार्ज बाई एप्साइलन नॉट लिखते हैं ना, तो लिख देते हैं फ्लक्स के जगह चार्ज बटा एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4πr²
तो यहाँ से अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज बटा 4πr² डिवाइड में मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर ये जो पॉइंट पी है इस सेल से बाहर है, ठीक है। सेल से बाहर का मतलब क्या होगा, मान लो यहाँ पर पी पॉइंट ले लिया, तो इसके अंदर में चार्ज है ना, हाँ ये चार्ज है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग निकालते हैं कि जब पॉइंट पी जो है स्फेरिकल सेल में ही है तब क्या हो जाएगा आपका। तो एक एक कौन सा पॉइंट हुआ बच्चों, एक हुआ कि ये जो है पॉइंट जो है, सॉरी यहाँ नहीं है, ये जो निकला हुआ ये स्फेरिकल सेल के बाहर है। बाहर का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपको बाहर ये जो दिख रहा ब्लैक वाला, इसके बाहर कोई चलो पी पॉइंट है, तो उसके लिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब एकदम इसी पर है, इसी पर, इस पॉइंट पर ही है, एक था बाहर है तो निकाल दिया, अब इसी पॉइंट पर है तब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग सेकंड पॉइंट क्या निकालने जा रहे हैं, सेकंड पॉइंट निकालने जा रहे हैं कि व्हेन द पॉइंट पी लाइज ऑन द स्फेरिकल सेल, अगर पॉइंट पी जो है स्फेरिकल सेल पे लाई कर रहा है तब क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों फिर से वही अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अगर हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करें तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया 4πr² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज बटा ये नीचे आ जाएगा 4πr² मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना इसके लिए, अब हम लोग चार्ज के जगह क्या लिखेंगे, ध्यान दो, चार्ज के जगह हम लोग क्या लिखते थे पिछला बार याद रखो, वहाँ सरफेस एरिया था, मान लो अगर लैम्डा इसका चार्ज डेंसिटी था तो लेंथ के लिए, तो क्या होता था लैम्डा इंटू एल, अगर सिग्मा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी था तो सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो यह क्यू है ना, तो Q के जगह हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, Q के जगह हम लोग लिख देंगे, ध्यान देना, Q टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया बटा 4πr² मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, तो बच्चा को भी पता है कि स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr² बटा 4πr² मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। 4πr² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया वो आपका नेट क्या आ गया, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट आ गया, कब, जब पॉइंट पी जो है इसी पर रहेगा। तो ध्यान दो, जब पॉइंट पी बाहर रहेगा तब आपको चार्ज की जगह क्यों ही रखना है, जब पॉइंट पी यहाँ आ जाएगा तो वो उसके सरफेस एरिया में आ गया ना, तो चार्ज की जगह आपको क्या लिखना है, चार्ज की जगह क्यू इंटू 4πr², क्यू इंटू सरफेस एरिया, 4πr² आपका क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। चलिए, तो ये था आपका पॉइंट बी के बारे में जब वो उसी पर लाई करेगा। तीसरा चीज, एक बाहर था इससे, एक इसी पर था, अब एक इससे अंदर आ गया इधर इधर, तो इससे अंदर आ गया, ध्यान दो, तो अंदर में क्या कोई चार्ज है, देखो एक ये पॉइंट है, चलो तो यहाँ पर है इसके इसके अंदर में है ना ये चार्ज, हाँ डॉट 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 दिख रहा, इस पॉइंट पे देखो इसके अंदर भी चार्ज है ना, हाँ है, लेकिन अगर मान लो हम यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए तो इसके अंदर कोई चार्ज दिख रहा, नहीं सर ये तो खाली है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा जीरो। तो हम लोग सी नंबर जो पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के अंदर है, मैं समझाता हूं इसको पिक्चर से, जैसे ये हो गया तुम्हारा सेल जहां पर ये डॉटेड डॉटेड में है, अब मैं मान लो कि यहां पर लाना चाहता हूं कि कितना होगा सेंटर से इस पॉइंट पर, तो जो कि सेल के अंदर, तो बच्चों इसके अंदर अगर ये गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो क्या यहां पर चार्ज है, नहीं यहां पर चार्ज नहीं, चार्ज तो सिर्फ यहां पर है, तो टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग जीटी मतलब गॉस थ्योरम, तो जब हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो फिर से लिखेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया डेट इज 4πr²
फ्लक्स की जगह चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4πr2। चूंकि टोटल चार्ज कितना है बच्चों, जीरो है, क्योंकि देयर इज नो चार्ज, लिख देंगे ब्रैकेट में, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फेयर। तो चार्ज की जगह क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो जीरो बटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4πr2। ये तो बच्चों जीरो ही हो जाएगा, और जीरो को 4πr2 से करो तो जीरो ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपको तीनों पॉइंट के लिए। अब इसका ग्राफ बोला जाता है कि ग्राफ बनाइए, ठीक है, ग्राफ बना करके बताइए। तो ग्राफ हम लोग बनाते हैं, वाई एक्सिस की तरफ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लिए हैं, एक्स एक्सिस को हम लोग आर को लिए हैं। ठीक है, ये हमारा जीरो ओरिजिन है, ये जो आर मतलब रेडियस, ये जो है वो है कैपिटल आर। क्या था कैपिटल आर, मैंने बताया था ना, ये जो सेल है तो सेल का छोटा वाला रेडियस आर था और बड़ा वाला रेडियस कितना था, कैपिटल आर था। तो अगर कोई एक ऐसा पॉइंट हो जो कि आर से भी छोटा हो, आर से भी छोटा कब होगा, ध्यान दो, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो कोई भी पॉइंट आर से छोटा कब होगा, जब ये यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो आर से छोटा मतलब इससे जहाँ अंदर आएगा तो इसके अंदर तो चार्ज ही नहीं है, तो वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट ही कहाँ से होता है, इस आर पॉइंट से होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फॉर्मूला आ रहा था वो आ रहा था 1/4πε0 इंटू q/r2, यही आ रहा था ना। तो अगर सब चीज़ को अगर कांस्टेंट मान लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो या अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का, तो उसका जो ग्राफ जाएगा वो इस तरीके से जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल देंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अच्छा, इस पॉइंट पे कितना होगा, तो आर पॉइंट पे हमने निकाला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो था आपका 1/4πε0 × q/r2। तो यही आपका ग्राफ हो जाएगा, मतलब इसके पीछे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, जीरो होगा। इस पॉइंट पे ये हो जाएगा और उसके बाद ये इस तरीके से घटेगा, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसी रेडियस का एक सर्कल भी आपको बना करके यहाँ पर दिखा देना है। ये क्या बता रहा है कि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो वाई, इसके अंदर वाई एक्सिस का कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, और इससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से घटते जाएगा। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो, इस पॉइंट पे इतना, और इससे दूर का आप बस घटते जाएगा, किस इससे, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r2। तो ये था पूरा हमारा बच्चों किसके लिए, ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के लिए। तो यही तीन एप्लीकेशन आपको पढ़ने हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंटेन्ड है। ऐसा लग रहा है मैं 1.38 में दिया हुआ है आपका फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर, तो आप लोग देख लो उसमें स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस। तो उसके बाद आपका जो एक और है वो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो यही आपका तीन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एंड दिस कम्प्लीट्स आवर ऑल द थ्योरिटिकल पार्ट ऑफ चैप्टर वन। यहाँ से चैप्टर वन का पूरा थ्योरी हमारा क्या होता है, कम्प्लीट। एक वीडियो और जाएगा जिसमें जो बचे न्यूमरिकल्स हैं, दैट इज गॉस लॉ से कौन से न्यूमरिकल्स आते हैं, उस न्यूमरिकल को कंप्लीट करेंगे और हमारा चैप्टर वन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कल तो न्यूमरिकल होगा संडे के लेक्चर को, मंडे से हमारा सेकंड चैप्टर शुरू हो जाएगा, दैट इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, एंड जो भी डाउट हो तो ये तो रिकॉर्डेड है, आप इसके कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डाल सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास।